हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट बिस्किट्स। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑलरेडी जो है हमारा मिल्क कंपाउंड जो होता है उसको मैंने मेल्ट किया है और इसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया है। तो चॉकलेट मोल्ड आपको ये इस तरीके का लगेगा आपको अगर बिस्किट्स बनाना है तो सबसे पहले हम नीचे बेस में जो है पहले थोड़ा चॉकलेट डाल रहे हैं और इसको हम जो है एक 2 मिनट के लिए जो है सेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो या अगर आप एसी रूम में काम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जब नीचे का बेस जो है आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छे से आएगा। इसके लिए हम पहले थोड़ा चॉकलेट डाल के इसको सेट करेंगे और अच्छे से जो है टैप करके इसमें से सारे जो है एयर बबल्स हम निकाल देंगे। तो आइए, मैं इसको जो है 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चॉकलेट को जो है वो सेट कर लिया है। अब हम इसमें जो है ये मारी के जो सिंपल बिस्किट्स आते हैं, ये मारी गोल्ड जो होता है वो सिंपल बिस्किट्स है और इस तरीके से हमें जो है इसको मोल्ड में रखना है। ठीक है, अब ये सारे बिस्किट्स मैंने मोल्ड में रखने के बाद मैं इसको फिर से जो है वो चॉकलेट से देखिए कवर करूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका चॉकलेट है और जो बिस्किट है वो एक जैसे ये एक सैंडविच चॉकलेट बन जाएगा। मतलब बीच में आपको एक क्रंची बिस्किट का फ्लेवर आएगा और इसके ऊपर नीचे जो है आपको चॉकलेट का जो है अच्छे से टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको जो है पहले आपको साइड्स में जो है चॉकलेट्स को फिल करना है। जितनी भी चॉकलेट्स हैं आप पहले साइड्स में फिल करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको बीच में आप लेके आएंगे। तो साइड्स में अगर कुछ भी गैप्स रहेगा तो वो सारे फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आपको सारे जो है चॉकलेट्स को जो है फिल करना है, सारे एम्प्टी स्पेसेस को आपको पहले फिल करना है, फिर जो है आप ऊपर का बिस्किट वाला लेयर जो है वो कवर करेंगे और फिर आपको इसको जो है अच्छे से जो है टैप कर लेना है। ठीक है, फिर से हमें वही चीज़ करना है कि इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। तो जितनी भी अभी हमने बिस्किट डालने के बाद जो चॉकलेट डाली है वो प्रॉपरली जो है सेट हो जाएगी और फिर आपका जो है बिस्किट्स विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से जो है आपको इसको टैप करना है और फिर आप इसे जो है एक 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी चॉकलेट सेट हो चुकी है, तो आइए हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट्स जब वेट थी तभी इन पर थोड़े स्प्रिंकलर्स डाले थे। ये सिर्फ एक डेकोरेशन पार्ट है, आप कुछ और भी डेकोरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हमारी चॉकलेट्स जो है बहुत ही ईजीली डीमोल्ड हो रही है। ये कहीं पर भी जो है मोल्ड पर चिपक नहीं रही है और ना तो इसकी कोई डिज़ाइन ख़राब हुई है। मतलब जैसे कि चॉकलेट अगर चिपक जाती तो बहुत बड़ी डिज़ाइन जो है वो आधी अधूरी निकल कर आती है और ना ही हमारी कोई भी बिस्किट्स जो है इस पर विजिबल है। मैंने इन चॉकलेट्स को सिर्फ 10 से 12 मिनट्स ही जो है फ्रिज में सेट किया था, क्योंकि जब हमने नीचे वाला चॉकलेट पहले डाला था तो ऑलरेडी 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में सेट किया था। तो हमें फ्रेंड्स एक बात याद रखनी कि चॉकलेट्स को जो है ज़्यादा सेट नहीं करना है फ्रिज में, 10 से 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट इनफ है, उससे ऊपर नहीं। और यहाँ पे देखिए, सारी चॉकलेट्स की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, शाइनिंग भी आप देख सकते हो ब्यूटीफुल है। अब इनके रैपिंग का पार्ट है, तो आप इन्हें गोल्डन या सिल्वर फॉइल में भी रैप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ डेकोरेशन किया है चॉकलेट्स पर तो आप इसे जो है क्लिंग रैप भी कर सकते हैं। डेकोरेशन और रैपिंग आपके पार्ट है। ये चॉकलेट जो है काफ़ी टेस्टी आती है, आप इन्हें ज़रूर बनाइए। एक बच्चों लोग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि अंदर एक बिस्किट का क्रंचनेस आता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी चॉकलेट जो है कैसी हुई है। तो ये देखिए, मैंने मेरी सारी चॉकलेट्स को जो है रैप कर दिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।